फ्रेंड्स, आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारी माँ कभी हमारी दोस्त बन जाती है, कभी टीचर तो कभी इंस्ट्रक्टर तो कभी काउंसलर। इस तरह वो हमारे हर रिश्ते में ढल जाती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले पाता। आज मदर्स डे के मौके पर मैं अपनी माँ के लिए, नहीं सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं, सभी माओं के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरी माँ हुई आपकी माँ, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि माँ लगभग सबकी एक जैसी ही तो होती है। ये पंक्तियाँ मेरी रचना नहीं है, मैंने इन्हें कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहूँगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि कौन सी रचना आपके दिल को छू गई और अपनी माँ को ज़रूर सुनाइएगा। एंड ऑल्सो यू कैन टैग हर एंड शेयर। तो शुरू करते हैं। हिसाब लगाकर देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा निकलेगा। हिसाब लगाकर देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा निकलेगा। एक माँ का प्यार है, एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। खुदा हर जगह मौजूद नहीं हो सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई। खुदा हर जगह मौजूद नहीं हो सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई। सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी, लेकिन आगे की कहानी किसी ने नहीं बताई, तो आज मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि माँ को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ और उसने जश्न मनाया। ऐसा नहीं है कि माँ को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ और उसने जश्न मनाया। सच तो ये है कि वो बहुत पछताया। कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया, वो जान ही नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई परवरदिगार हो गया। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। वो माँ है, वो गलत कैसे हो सकती है भला। परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, टिफिन में खाना स्वादिष्ट जाए, बच्चों के कपड़े समय पर धुल जाए, एक भी दाग ना रह जाए। वो माँ है, वो गलत कैसे हो सकती है भला। नौकरी करनी चाहिए तो बच्चों ने रोक दिया, घर में ही कुछ करना चाहा तो दूसरों ने टोक दिया। तुम माँ हो, तुम अपना वक्त भला बच्चों से कैसे छीन सकती हो। तुम माँ हो, तुम अपने लिए भला कैसे जी सकती हो। माँ आप गलत हो सकती हो, आप फिर भी माँ ही रहोगी। आपको भगवान बनाकर नहीं रखेंगे, आप इंसान बनकर जियोगी। खुलकर गलती करना, खुलकर जीना, और जैसे आप हमारे साथ खड़ी रहती हो हमेशा, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। जाना चाहती हूँ फिर से उस बचपन में जहाँ तेरी गोद में सोया करती थी। जाना चाहती हूँ फिर से उस बचपन में जहाँ तेरी गोद में सोया करती थी। जब काम ना हो मेरे मन का तो हर बात पर रोया करती थी। जब बिना तेरी लोरियों के ये पलके सोया नहीं करती थी। माथे पर तेरे मीठे स्पर्श के बिना ये आंखें जागा नहीं करती थी। जाना चाहती हूँ फिर से उस बचपन। माँ वो होती है जिसमें ममता का निर्झर बहे, जो आंचल से मुझे ढके और खुद धूप सहे, जो मेरी एक पुकार पर दौड़ती है। हाँ, माँ वो होती है जिसकी थपकियों में आज भी मेरी नींद समा जाए, जिसके सीने की गर्माहट से मन फिर बच्चा हो जाए। भूख मुझे लगे तो वो तड़पती है, पेट मेरा भरे तृप्त वो होती है। हाँ, माँ वो होती है जिसकी फटकार में फिक्र है, जिसकी बातों में
मेरा ही तो जिक्र है। मेरी ठोकरों में उसकी आह होती है, मेरी ठोकरों में उसकी आह होती है, मेरे दर्द में आंखें उसकी नम होती है, हाँ माँ वो होती है। आईने में नहीं मुझ में खुद को देखा किया, आईने में नहीं मुझ में खुद को देखा किया, संस्कारों में तपा कर मुझे कुंदन सा किया। कभी डांटती है तो कोने में छुपकर रोती भी है, मुझे सुलाए बगैर कहाँ वो सोती है, हाँ माँ वो होती है। जो मैं बिखर जाऊं तो मुझे समेट लेती है, जो मैं बिखर जाऊं तो मुझे समेट लेती है, कभी मेरी गुरु तो कभी मेरी संगिनी है। मेरी हार या जीत नहीं, मेरी हार या जीत नहीं, जो मेरी कोशिश देखती है, हाँ माँ वो होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ पंक्तियाँ। आई होप इनको सुनकर आपको भी अपनी माँ की छवि याद आने लगी होगी। मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहूँगी कि ये रचनाएँ मेरी व्यक्तिगत रचनाएँ नहीं हैं, ये एक संकलन मात्र है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लेट अस नो कि कौन सी रचना ने आपकी आँखों को और आपके दिल को माँ के प्यार से भर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।